गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सम प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ मेंसुरेशन टॉपिक हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर. वी नो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4/3 πr³. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सर्फेस एरिया ऑफ अस्फीयर 4 πr² और वॉल्यूम ऑफ अस्फीयर इज 4 by 3 πr³. इन दिस क्वेश्चन फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. एक रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. वी नो दैट volume of a sphere 4/3 πr³. इसमें एक ही रेडियस है, हाइट नहीं रहता है. आर अगर हाइट मालूम करना है तो डबल आर हो जाएगा. इधर भी आर है और सेंटर से इधर भी आर. आर प्लस आर हाइट पे आ जाएगा 2r स्फीयर का. इसलिए फॉर्मूला केवल रेडियस को यूज करते हैं. आर इसका यूनिट क्यू में आएगा. 4/3 πr² × 2/7 और आर क्यूब 21³ और सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखना लाजमी. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/3.4/3 πr² × 2/7 तो आपका डिविजिबल हो गया इनसे और थ्री थ्री भी इनसे. 4 × 22 = 88 और 21 × 21 = 20 21 × 21 = 4 4 1. अब इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आएगा. तो आप अगर बता सकते हो तो बताओ 4 4 1 × 88 कितना रहा इसका प्रोडक्ट. 4 4 1 × 88 और फिर सेम एट से करेंगे तो 8 2 5 3 8 10 8 8 3 यानी 38808 सेंटीमीटर क्यूब. यही आपका वॉल्यूम ऑफ अस्फीयर आया है. क्या आया? 38808 वॉल्यूम ऑफ क्यूब. नाउ फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अस्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ अस्फीयर 4 πr² सरफेस एरिया ऑफ अस्फीयर 4 πr²
आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जब भी निकलेगा इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर होगा। 4π = 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस 21 का स्क्वायर, यानी 4 × 22/7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 58 और 21 × 3, 3 और 6 5544 तो इस टाइप का क्वेश्चन जो डायरेक्ट होता है, रेडियस दिया हुआ है, अगर आप फॉर्मूला जान रहे हो वॉल्यूम का या सरफेस एरिया का, डायरेक्ट का वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन में आ रहे हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर Find the surface area of a sphere for volume is 4851 cm³। अब जो हम पहला क्वेश्चन फाइंड किए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4851 और आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है 4πr² और रेडियस हमको मालूम नहीं, तो हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसके हेल्प से। गिवन volume of a sphere is equal to 4851 volume of a sphere is 4/3 πr³ equal to 4851। इन दिस इक्वेशन फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो आर फाइंड करने के लिए 4/3 π को रिमूव करें। रिमूव करने का मतलब आप कहां ले जाओगे? राइट साइड में। राइट साइड ले गए तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 डिवाइडेड बाय, अगर इस पूरा नंबर को यहाँ डिवाइड करोगे तो पहले 4/3 को ले जाओगे तो 4 और डिवाइड का फॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इसी चला जाएगा न्यूमरेटर में।
ये दे जाओगे पाई को, तो पाई इज इक्वल टू 22 बाय 7 और 7 चला जाएगा डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब देखोगे क्या इसका q का फॉर्म है 11 से 2 और 11 से इस नंबर ये भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, 11 4 का 44 रिमेंडिंग या रिमेंडर इज 4 और 5 45 फिर 11 4 का 44 रिमेंडर इज 1 और 1 1 11 यानी 1 कैंसिल में, ठीक है, क्योंकि यहां पर पावर क्यूब है, ये क्यूब अगर आर क्यूब अगर एरिया फाइंड करोगे या तो स्कूल में आगे जाकर क्यूबिक रूट होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हो। 441 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21 और 21 7 इंटू 3 21 7 इंटू 3 और पहले से भी एक है 7 इंटू 3 यानी 21 21 21 3 टाइम्स, तो 21/2 का होल क्यूब यानी दोनों का क्यूब और क्यूब कैंसिल कर दो तो आर इज इक्वल टू 21/2 10.5 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट फाइंड कर लिए रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या फाइंड किए, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² 4π इज इक्वल टू 22/7 और रेडियस पॉइंट में लो या 21/2 ही दे देते, 21/2 का 4² यानी 21/2 को लिखिए 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, 7 3 21 2 × 2 = 4 इस 4 से कैंसिल, अब डिनोमिनेटर में केवल 1 बचा, 1 को नहीं भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 22 × 3 और × 21 66 × 21 6 12 6 12 6 8 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या आया, तो 1386 आया। किसी को प्रॉब्लम इसमें है?